परीक्षित ने मना किया, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोले, बैल को क्यों मार रहे हो, धर्म को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? कलयुग ने कहा, मेरा धर्म है। और कलयुग इतना सज्जन है कि बराबर जहां जहां परीक्षित बतलाया ना, उसकी 25 फुट अगल बगल रहता है। कलयुग कभी गया नहीं। हम और आप उसको कलयुग को अपने घर लाते, चल मेरे घर में रहना। पहला स्थान बतला दिया, जाओ जहां जुआ हो वहां तुम्हारा निवास हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां लोग व्यभिचार करते हो, जहां लोग मदिरा पान करते हो, और जहां हिंसा होती हो। चार स्थान बतलाया कलयुग। बोले, महाराज ये कोई अच्छी जगह है क्या? कुछ तो अच्छे स्थान बतलाओ, ये चारों जगह कोई जाएगा? परीक्षित ने कहा, ठीक है, जहां अनीति का सोना हो वहां तुम्हारा निवास रहे। अनीति का सोना। कलयुग मुस्कुराने लगा। परीक्षित ने कहा, भाई तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, दंड दो तो भी मुस्कुराए। यहां परीक्षित सम्राट कलयुग को कहा, तुम अनीति के सोने में निवास करो, और कलयुग मुस्कुरा रहा है। परीक्षित ने कहा, क्यों? उसने कहा, कोई बात नहीं, थोड़े समय बाद पता चलेगा परिणाम। परीक्षित के मुकुट का अनीति का था, कलयुग छोटा रूप धारण किया और परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। परीक्षित को मालूम पड़ा नहीं। अपनी बुद्धि कब खराब हो जाए इसका कभी भरोसा नहीं करना। और परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठा, परीक्षित को मालूम नहीं। और परीक्षित यात्रा करते करते जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, भूख लगी, उनको दूर आश्रम दिखलाई दिया। उन्होंने विचार किया, ओहो जरूर आश्रम में चलेंगे, संत महात्मा मेरा स्वागत करेंगे, मुझको माला पहनाएंगे, मेरा अभिनंदन करेंगे। वास्तव में संत महात्माओं को प्रणाम हमें करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। कोई गाय मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो कि संत महात्मा मेरा आदर करें, तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि। आ धर्म सम्राट है परीक्षित, पराश उसके बुद्धि में परिवर्तन आया और उसने विचार किया कि संत महात्मा मेरा स्वागत करेंगे। और परीक्षित उस स्थान में गया, और श्रमिक ऋषि साधना कर रहे थे, आंख बंद के तपस्या कर रहे थे। परीक्षित ने विचार किया, देखो ये बाबा लोग बड़े ढोंगी बाबा हैं, मुझको देखे तो आंख बंद कर लिए। परीक्षित की इधर उधर नजर दौड़ाया, मंदिर के पीछे देखा एक सांप दौड़ रहा था। परीक्षित ने विचार किया, ओहो ये बाबा लोग सांप पालते हैं। और उसने बराबर धनुष बाण निकाला और निशाना लगाया और बाण को छोड़ा और सांप के गले में बाण लगा, और सांप बिचारा तड़पते तड़पते मृत्यु को प्राप्त हो गया। और परीक्षित ने वही बाण से सांप को उठाया। उसने विचार किया, अगर ये महात्मा असली होंगे तो कोई बात नहीं, और नकली होंगे तो डर के भाग जाएंगे। परिणाम सांप उठाया और गले में पहना दिया। श्रमिक तो संत महात्मा साधना में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, कोई चाहे सांप की माला पहनाए, चाहे फूलों की माला पहनाए, चाहे निंदा की माला पहनाए, संतों को कोई फर्क पड़ता
नहीं। तो 5-10 मिनट हुआ और परीक्षित अपने स्थान में गया, कोई बात नहीं। कोई विद्यार्थी दौड़ते दौड़ते श्रृंगी के पास गया। श्रमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी गंगा में स्नान कर रहा था। उसने कहा, श्रृंगी? बोले हाँ। बोले तुम्हें मालूम है? बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे पिताजी के गले में कोई व्यक्ति सांप की माला पहना दिया है। इतना सुनना था कि श्रृंगी का क्रोध, उसने गंगा जल हाथ में लिया और उसने कहा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, स्वयं देव राज इंद्र क्यों ना हो, जिसने भी संत महात्माओं का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी आश्रम में आए, पिताजी को मालूम पड़ा, साधना पूरी हुई, उन्होंने सांप को उतारा, बाहर फेंक दिया। श्रमिक ने कहा, बेटा तुमसे बड़ी भूल हो गई। बोले क्यों? बोले ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। बोले क्यों? वो तो धर्म पालो नरपति ही स्रतो सम्राट बृहत् श्रवहा साक्षान महाभागवतो राजर्षि हयमेघयात्। वो तो स्वयं परम भागवत है, धर्मपाल है, धर्मपालो नरपति। श्रृंगी ने कहा, अभी तो गुरुजी पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया और वृथा न होई देव ऋषि वाणी। श्रमिक ऋषि ने कहा, जो विद्यार्थियों को भेजा जाओ, राजा को सूचना तो दे दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, जो तुम्हें सत्कर्म करना है, जो तुम्हें यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, कुछ करके उद्धार कर लो। 2 शिष्य गए हैं राजधानी में हस्तिनापुर में, और जब परीक्षित अपने राज्य में गया, उसने मुकुट नीचे उतारा ना, तब उसको ध्यान आया, ओहो मुझसे बड़ी भूल हुई है, अब मुझे राजगद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसको राजर्षि कहा गया। एक भूल हो गई और राजगद्दी छोड़ के जमीन में बैठा। और अपने कितनी भूल रोज करते हैं। कितनी भूल रोज करते। इतने में 2 विद्यार्थी आए, उन्होंने परीक्षित को कहा, राजा आपको श्राप मिल गया है, आज से 7वें दिन बराबर आपको तक्षक काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित तो हंसने लगे, आनंद मनाने लगे। बोले बहुत अच्छा हुआ है। और अपने बेटे जनमेजय को राजगद्दी में बैठाया और 1 मिनट में राजगद्दी छोड़ करके गंगा के किनारे गया। एक भूल के कारण, भूल होना स्वाभाविक है, पर भूल का पछतावा कर लो, प्रयाश्चित कर लो। परिणाम जब परीक्षित गंगा के किनारे गए तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त सब गंगा के किनारे जमीन में बैठे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा। और परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं और परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि 7 दिन में हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बतलाओ। 7 दिन में बड़े बड़े संत महात्मा अपना सर नीचे कर लिए। उसको मालूम है 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है। और बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, सबने सर नीचे कर लिया। और परीक्षित परमात्मा का स्मरण किया है, बंसी वाले का ध्यान किया है।
जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। हो दोनों हाथ ऊपर के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बरसाते हैं। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान का स्मरण किया है और अनुभव कर लेना है। जिस समय आप परमात्मा का स्मरण करोगे सच्चे लगन से आए, उस समय कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय। और बराबर सुखदेव जी साधना कर रहे थे जंगल में, कोई आमंत्रण नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई कार्ड नहीं। सुखदेव जी आना अचानक खड़े हुए और गंगा के ओर चलने लगे। आकाश में देवता अपने अपने विमान में आए हैं, सुंदर पुष्पों की बरसात करने लगे। एकदम शांत सम, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं, दृष्टि नासिका के ऊपर। आज पृथ्वी ने भी विचार किया कि सुखदेव जी का पैर जमीन में ना पड़ जाए, इसलिए जहां पैर पड़ना हो उसके पहले वहां सुंदर कमल के पुष्प उगाते थे। सुखदेव जी धीरे धीरे गंगा की ओर, गंगा के किनारे जाने लगे। आकाश में देवता स्तुति करे, प्रार्थना करे, जय हो, जय जयकार होने लगा है। कितना सुंदर वातावरण है। धीरे धीरे समय व्यतीत होना लगा। सुखदेव जी धीरे धीरे गंगा की ओर चलने लगे हैं। आकाश में देवते स्तुति करें, प्रार्थना करने लगे, चारों तरफ से सुंदर गीत गाने लगे हैं। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। कथा सुनाने वाले, नाम बताने वाले, तुमको लाखो प्रणाम। सुखदेव जी का आगमन भागवत में अभी हो रहा है। सुंदर चौलों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान के गुणानुवाद का धन्य है वह समय और घड़ी। राजा परीक्षित, पूरे संसार में जल ही जल, संसार बना कैसे उसकी कथा है। पूरे संसार में जल ही जल और भगवान नारायण शयन कर रहे हैं, और भगवान नारायण की नाभि में से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, और पुष्प में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, परिणाम चार मस्तक हो गए। और ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, कोहम कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, संसार का पहला प्रश्न। आप देखना, आप संसार को पहचानते हैं पर आप अपने को पहचानते नहीं। कोई आपसे पूछे आप कौन, तो आप अपना विजिटिंग कार्ड, अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड है, अपने मोबाइल नंबर है। वास्तव में आप हो कौन और यहां आने का क्या कारण, जन्म के पहले अपने कहां थे और जन्म के बाद अपने कहां जाएंगे, है ना। बड़ा सुंदर प्रश्न, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं और यहां आने का क्या कारण है। कोहम कोहम की आवाज आई, प्रश्न आया,
और आकाशवाणी ने कहा तपः तपः तपः, तपस्या करो तपस्या करो। परिणाम ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कितने दिन? एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, हजारों वर्ष मात्र ओम का ध्यान करे। हजारों वर्ष की साधना के बाद आकाशवाणी ने कहा संसार का विस्तार करो। परिणाम ब्रह्मा जी ने कहा, मन में विचार किया विस्तार कैसे करूं, तो पहले जो सृष्टि थी ना संकल्पित थी, शिव संकल्प मस्तु। मन में विचार किए ब्रह्मा जी कि जल हो जाए, पृथ्वी आ जाए, वृक्ष हो जाए, अनाज हो। मन में विचार किया, पहले उन्होंने 10 मानसिक पुत्र बनाए। मन से उन्होंने मरीची, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, 10 मानसिक पुत्र बनाई और 10ों से कहा तुम लोग भी पृथ्वी का विस्तार करो, संसार का विस्तार करो। 10ों ने कहा ये पंचायत में कौन करे, अपने तो भगवान का भजन करेंगे। 10ों के 10 भगवान की साधना करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध में से भगवान शिव का प्रागट्य हुआ। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का प्रागट्य। भोले ने कहा आज्ञा करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो।